गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? फटाफट एक बार कमेंट में बता दीजिए आप लोगों के अभी तक सारी चीज़ें परफेक्ट चल रही हैं या नहीं, फटाक से एक बार कमेंट में बता दीजिए। तो नमस्कार बच्चों, ऊपर आका है, नीचे आपका काका है, मैं आपका एजे काका आ गया हूँ फाइनली थर्ड लेक्चर लेने बेसिक मैथमेटिक्स का। 10 से 12 लेक्चर की इस सीरीज में अपन काफ़ी कुछ फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार फटाफट आपके कमेंट में बता दीजिए बैकलॉग कैसे लग रहे हैं आपको, क्या आपने बैकलॉग किया अभी तक कुछ? तो आप लोगों से एक छोटी सी माफी मांगूंगा कि चीजें अभी बहुत हेक्टिक हैं नीट तक। दिस इज द रीज़न वाई आपकी कम क्लासेस ली जा रही हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक बार नीट हो जाएगा, उसके बाद जितना फोकस अभी 24 वाले बच्चों के ऊपर किया जा रहा है उतना ही फोकस आपके ऊपर भी किया जाएगा, है ना? तो इज जस्ट द मैटर ऑफ टाइम, 10 से 15 दिन आप भी यूज टू हुई चीज़ों से। सबसे बेस्ट चीज़ बच्चों मैं आप लोगों को बोलूँ तो आपको टाइम मिल रहा है बेसिक्स स्ट्रांग करने का। एबीके सर ने आपको कुछ बेसिक्स पढ़ाए, मित्तल सर ने आपको कुछ बेसिक्स पढ़ाए, मैं आपको कुछ बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, आपको बहुत टाइम मिल रहा है बेसिक्स। दूसरों को इतना टाइम नहीं मिला था। ये सबसे बेस्ट चीज होती है अर्ली बैच लेने की, है ना? तो मेरा बताऊं तो अभी जैसे सवेरे भी क्लास चल रही है, फिर उसके बाद आपका कंटेंट बनाना, फिर सो जाता हूँ आधे घंटे, फिर उठ के अभी आपकी क्लास ली, फिर इसके बाद सुबह की क्लास का कंटेंट बनाना, और रात में सोने से पहले 1.5 से 2 घंटे पहले जो एक मैराथन होने वाला है उसके लिए 1.5 2 घंटे प्रिपेयर करना। 19 तारीख को, 19 तारीख को मैराथन है। तो थिंग्स आर बिट आप कह सकते हो क्राउडेड हेयर, बट डोंट वरी, आपको कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी, ठीक है? चलिए आइए, ध्यान रखना है, बैकलॉग नहीं होने देना है। दे विल किल योर ड्रीम्स, बिलीव इट और नॉट, मैं आज कह रहा हूं। आप लोग अपनी कॉपी के आगे इस बात को लिखिए, लिखिए कि बैकलॉग विल किल माय ड्रीम। आपने जो भी ड्रीम देखी है, इंडिया का बेस्ट डॉक्टर बनने की, AIR 1 लाने की, अपने माँ बाप को अच्छी से अच्छी खुशियां देने की, सारी चीजों को तबाह कर देगा सिर्फ एक चीज, दैट इज बैकलॉग। बच्चों नो मैटर आप कितने, नो मैटर आप किस परेशानी में हो, अगर आपका एक दिन का बैकलॉग भी होगा तो बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाऊंगी। मैं आपको अभी बैकलॉग से थोड़ा सा रूबरू करवाता हूं, सुनना मेरी बात। अभी तो आपकी एक क्लास हो रही है, ठीक है, आपको लग रहा होगा बैकलॉग कुछ नहीं होता, बेटा सुनो, अभी आगे जाके फिजिक्स की आपकी 2.5 घंटे की पर डे क्लास होगी। मैं बस बताना चाह रहा हूं आपको, ठीक है? केमिस्ट्री की 1.5 घंटे क्लास होगी और बायो की लगभग लगभग आपकी 1.5 घंटे की क्लास होगी डेली की। अब आप सोचो कितने हो जाएंगे, 2.5 3 4 5.5 घंटे, 5.5 घंटे, और ये मैं कम ही बता रहा हूं, अराउंड अराउंड एवरेज मान के चलो 6 आवर पर डे की आपकी क्लास होगी। समझना आप इस चीज को, ठीक है? अब मान लो एक दिन का आपका बैकलॉग हो गया किसी कारणवश आपका बैकलॉग हो गया, किसी कारणवश, XYZ कुछ भी कारण हो सकता है, सीरियस कारण और फुद्दू सा कारण कुछ भी हो सकता है। अगर आपका 6 आवर पर डे का आज का बैकलॉग हो गया, मैं आपको बता रहा हूं आप कैसे फंसोगे, है ना? पर डे बेटा, नेक्स्ट डे वापस से 6 घंटे की क्लास रहेगी या नहीं? अब नेक्स्ट डे आपको 6 घंटे की क्लास करनी है प्लस 6 घंटे का बैकलॉग क्लियर करना है, क्या कर पाएगा? 12 घंटे दिन में पढ़ पाएगा? बस छोटा सा ट्रेलर दिया मैंने। अब सोच किसी कारणवश एक हफ्ते का बैकलॉग हो गया, एक हफ्ते के बैकलॉग को कंसिस्टेंटली बैठ के क्लियर करेगा तो एक महीना लगेगा। अब सोच अगर तूने एक महीने का बैकलॉग कर लिया तो एक साल का बैकलॉग लगेगा पूरा। प्रिपरेशन कोई मतलब की नहीं, छोड़ देना, फिर नेक्स्ट ईयर मिल लेंगे, कोई किसी मतलब का नहीं। उसके बाद महीने भर नहीं पढ़ रहे तो भाई 12 महीने में से एक महीना आपने बर्बाद कर दिया तो क्या ही बचा? आर यू एबल टू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू?
तो यू हैव टू बी वेरी सिंसियर टूवर्ड्स योर प्रिपरेशन। ये मैंने अभी सिर्फ आपको एक ट्रेलर दिया, एक दिन का बैकलॉग, यानी दिन में जब कॉन्टिन्यूसली बैठकर 12 घंटे पढ़ेगा। अभी इसमें मैंने डीपीपी सॉल्विंग नहीं डाली, अभी इसमें मैंने होमवर्क नहीं डाला, इसमें मैंने रिविजन पॉइंट नहीं डाले, अभी मैंने इसमें आपका सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं डाला। ये 12 घंटे सिर्फ और सिर्फ कि आगे बैकलॉग ना हो और जो पिछला कल का बैकलॉग हुआ वो क्लियर करने में लगेगा। अब तू समझदार है, ये वीडियो को सेव कर लेना बेटा। इसलिए मैंने लिखा, बैकलॉग विल क्लियर विल किल योर ड्रीम्स, दे विल किल योर ड्रीम्स, मतलब आपको खत्म कर देगी। हर वो सपना जो आपने देखा है बेटा, वो आपसे छीन के ले जाएगा ये बैकलॉग रूपी जानवर, राक्षस है ये आपकी जिंदगी का। ध्यान रखना कि गलती मत करना, गलती से भी बैकलॉग करने की। चलिए आइए आगे की बात करें। फिर आप, मैं बता रहा हूं ना, आप दूसरे बैच, सर ये वाला नहीं, अब दूसरा बैच लॉन्च हो रहा है उसमें एडमिशन दे दो, सर तीसरा हो रहा है उसमें दे दो। बेटा बैकलॉग हमको एडमिशन देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी, लेकिन पता दिक्कत कहां आएगी, यू विल रिपीट योर पैटर्न। दिक्कत आप में है। बहुत सारा ऐसा होता है ना कि अरे 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 सर ये वाला बैच लॉन्च हो रहा है, सर इसमें तो मैं बैकलॉग होने ही नहीं दूंगा, दूसरा दे देते हैं। इतने लंबे मैसेज लिख के भेजेगा तू, इतने लंबे तू देखना, और हम लोग एंटरटेन ही नहीं करेंगे। फैक्ट बता रहा हूं, सीरियस बंदा वही है जो बैकलॉग नहीं होने देता है। ठीक है, चलिए आइए बच्चों, आज की बात अपने को क्या क्या करनी है फटाफट अपन समझ लेते हैं। आज अपने को तीन चीजें पढ़नी है। एक पढ़नी है सबसे पहले इक्वेशंस के बारे में। उसके बाद अपन पढ़ेंगे जहां पर आपको बहुत दिक्कत आती है, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल में आपको आज बेटा मास्टर बना देंगे एकदम, मतलब यू विल बी लाइक है ये था बाइनोमियल, आप यहीं पर सॉल्व कर रहे होंगे सब कुछ। तीसरा आएगा बच्चों जीपी सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, इसका भी आपको मास्टर बना देंगे, तो आपको लोड नहीं लेना है। अब इक्वेशन के अंदर बच्चों दो चीजें आती हैं, पहली चीज लीनियर इक्वेशन, दूसरी चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब इनके यूज कहां कहां होने वाले हैं, भाई फिजिक्स को यूनिफाई करना उतना ही जरूरी है ना, इनके यूज कहां कहां होने वाले हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। सुनो, पहले सुन लो, मजा आएगा ना पढ़ने में बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डायरेक्ट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज इटसेल्फ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद अगर हम आगे आए तो बच्चों जहां पर भी डायरेक्शन चेंज का कॉन्सेप्ट आएगा वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, जहां पर भी डायरेक्शन चेंज का कॉन्सेप्ट आएगा वहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। लीनियर इक्वेशन आपको पूरी फिजिक्स में कहीं ना कहीं मिल रही होगी, पूरी फिजिक्स में कहीं ना कहीं मिल रही होगी। बाइनोमियल इक्वेशन आपको कहां कहां मिलेगी, बाइनोमियल इक्वेशन आपको काइनेमेटिक्स में मिलेगी, बाइनोमियल थ्योरम बोल दो, काइनेमेटिक्स में मिलेगी, थर्मल फिजिक्स में मिलेगी, थर्मल फिजिक्स में, ग्रेविटेशन में मिलेगी, इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी मिल सकती है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी मिल सकती है। जीपी सीरीज आपको कहां कहां देखने मिलेगी, सुनते जाओ बेटा, ग्रेविटेशन में मिलेगी, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में मिलेगी, और ये आपको मिलेगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, ट्वेल्थ में ये आपको मिलेगा, सर्किट एनालिसिस में, अब आप देखो यहां से आप क्या सीखे। ये फ्लो चार्ट क्यों बनाया मैंने आपको, ताकि आपको इन पर्टिकुलर तीन टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस पता लगे कि ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको मजाक मस्ती में ना ले लो।
अभी मैंने क्लास चालू नहीं करी, अभी सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि जो अपन पढ़ने वाले हैं बेटा वो कहां कहां यूटिलाइज होगा। यहां पर तो आपको डायरेक्ट यूटिलाइजेशन दिख रहा होगा, और कहीं पर भी आई रिपीट फिजिक्स का अगर टफ क्वेश्चन आएगा तो वो इन कैलकुलेशंस में आपको फंसा देता है। तो आइए सबसे पहले पोस्टमार्टम करते हैं इक्वेशंस का, हेडिंग डालेंगे पोस्टमार्टम ऑफ इक्वेशंस। चलिए सबसे पहले जो आपको पढ़ना है बच्चों वो पढ़नी है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन सबसे इजीएस्ट इक्वेशन होती है जो आपको फिजिक्स में देखने मिलेंगी। इनका अगर मैं जनरल फॉर्म लिखता हूं, जनरल फॉर्म देखने में कैसी दिखेंगी पहले वो देखिए। एक्स एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, बिल्कुल डरना नहीं है, मैं यहां खड़ा हुआ हूं हर एक चीज के लिए, आपको बिल्कुल लोड नहीं लेना है। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। एबीसी क्या है यहां पे समझो, एबीसी क्या है बच्चों, ए बी सी क्या है बेटा, कॉन्स्टेंट है ना, और यहां पर x और y कितना है, क्या है बेटा, x और y क्या है, वेरिएबल है। अब यहां पर पहली बार एक मैं सेंटेंस कहने जा रहा हूं, अगर फिजिक्स को इजी बनाना है तो वेरिएबल्स के साथ खेलना सीखो। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, अगर फिजिक्स को इजी बनाना है तो वेरिएबल के साथ खेलना सीखो। अगर आप, ये सबसे बड़ा रामबाण इलाज दे रहा हूं फिजिक्स पढ़ने का, लिख लो हिंदी में, अगर आप वेरिएबल्स के साथ खेलना सीख गए तो बेटा आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल नाम ही बता रहे जो वेरी कर जाए, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ब्रह्मांड की कोई भी वैल्यू इनकी वैल्यू हो सकती है, इनका कोई सगा नहीं होता भाई, समझ जाओ आप, मतलब ये कभी भी पलट सकते हैं। अगर आप इन पलटू राम के साथ खेलना सीख गए, समझ लेना फिजिक्स आपकी जेब में आके बैठ जाएगी। बहुत इजी है, बहुत इजी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा पहले चीजों को। अब समझो वेरिएबल, अब लीनियर इक्वेशन हम पहचानेंगे कैसे, लीनियर इक्वेशन हम कैसे पहचानेंगे, यहां पर देखो बच्चों, वेरिएबल की जो भी पावर होगी ना वन होगी, देखो एक्स की पावर वन वाई की पावर वन। तो लीनियर इक्वेशन पहचानने का तरीका क्या है मेरे भाई, वेरिएबल की जो पावर होगी, मैक्सिमम पावर होगी वो क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो जाएंगी बच्चों, वन हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, हाँ या ना। सिंपल कोई ऐसी इक्वेशन लिखिए, 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, या फिर 2x प्लस 3y प्लस 5z प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ऐसी भी आपकी लीनियर इक्वेशन हो सकती है, किस भी फॉर्म x y z विल बी द वेरिएबल। लेकिन अब बात आती है इनको सॉल्व करना सीखना है। सॉल्व करेंगे कैसे, एक तड़का सुनो, जितने वेरिएबल होंगे उतनी इक्वेशन चाहिए रहेगी सॉल्व करने के लिए। पहले तड़का लिख लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे समझेंगे ना। चलिए तड़का लिखिए, तड़का क्या है, तड़का कहता है बेटा जितने वेरिएबल्स होंगे, जितने वेरिएबल होंगे उतनी इक्वेशन चाहिए रहेगी उनको सॉल्व करने के लिए, को सॉल्व करने के लिए। क्या मैंने बहुत बड़ी बात बोली, धीरे धीरे समझ आई, तीन वेरिएबल है, तीन इक्वेशन लगेगी उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए।
चार वेरिएबल है, चार इक्वेशन लगेगी, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन लगेगी, है ना, बहुत सिंपल। जितने वेरिएबल हैं उतनी इक्वेशन ले आओ और वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, बस। क्या बहुत बड़ी चीज बोली? नहीं, दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, तीन वेरिएबल, तीन इक्वेशन, चार वेरिएबल, चार इक्वेशन, पांच वेरिएबल, पांच इक्वेशन, एक वेरिएबल, एक इक्वेशन। ये बात भी सही है। अब जब भी लीनियर इक्वेशन होगी आप हमेशा एक वेरिएबल एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, सेकेंड टर्म का, हमेशा 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 एक वेरिएबल एलिमिनेट एलिमिनेट करने का ट्राई करो, ट्राई करना। अगर एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया तो उसके बाद भैया मजे ही मजे, हाँ ना, एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया भैया जी, उसके बाद तो अपने मजे ही मजे, पक्की बात, पक्की बात। मैं यहां पे रुक रहा हूं, अभी तक मैंने हालांकि कुछ समझाया नहीं है, बस बेसिक चीजें बताई हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि जो मैंने कहा है वो आपके कानों तक पहुंचा या नहीं, बस इतना सा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो मैंने कहा है वो आपके कानों तक पहुंच गया, दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी टू नो कि हां भाई हम और आप कनेक्टेड हैं। एक क्वेश्चन, एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू माइनस ऑफ टू, तो x की वैल्यू बताओ कितनी होगी। चलो बेटा बताओ, बहुत इजी सर, जेब का क्वेश्चन दे दिया। सबसे पहले देखो लीनियर इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल दिख रहा है x, लीनियर इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल दिख रहा है, इस इक्वेशन से काम हो जाएगा, एक वेरिएबल एक इक्वेशन। मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ टू तो ऑलरेडी है, और 4 को उधर भेजूंगा तो माइनस ऑफ 4 हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 6 आएगा या नहीं। कौन क्लास मैथ से बेटा, ये समझदार। अभी मैंने ऐसा कुछ बहुत 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 तगड़ा मैथ्स नहीं दिया, लेकिन अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अगर इफ इफ रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी, देखिए इफ x अपॉन y इज इक्वल्स टू 4 then x plus y divided by x minus y is equals to how much, this is your question। आओ, मैंने क्या कहा, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करो। अच्छे से देखो, दो वेरिएबल है, एक है x एक है y, दो वेरिएबल है मेरे बच्चे, एक है x एक है y, ठीक है। अगर ऐसा है तो एक बात बताओ बच्चों, सिंस x upon y is equals to 4 हो गए है, तो x is equals to 4y लिख सकता हूं या नहीं, क्या ये बहुत बड़ी बात है? नहीं। अगर x is equals to 4y लिख सकता हूं बेटा, x की वैल्यू उठाकर y के टर्म्स में, देख 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 देख, मैंने x को एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया अपने रास्ते से या नहीं, कैसे सर? मैं कह रहा हूं x की वैल्यू y के टर्म में लिख दे, लीनियर इक्वेशन है ना, देख सबकी वैल्यू 1 है, हाँ देख दो इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, एक ये है, मेरा काम हो जाएगा। x की वैल्यू y के टर्म्स में ऊपर यहां पर लिख देते, therefore क्या लिख सकता हूं बच्चे, 4y plus y divided by 4y minus of y, ये हो जाएगा बेटा 4y upon sorry 5y y plus y, 4y plus y, 5y, 4y minus of y, 3y। अब मेरे को बता बेटा, अगर मैं y से y काट दूं तो क्या किसी को दर्द होगा? आपका आंसर क्या आया बेटा, 5/3 आया या नहीं आया, हाँ या ना? आपका आंसर 5/3 आया या नहीं आया, पक्के से बताएंगे। राइट राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, इफ पी वाई क्यू इज इक्वल्स टू 1/5 देन
आपने बताना है बेटा पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर क्या होगा। पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर क्या होगा। चलिए करिए, एलिमिनेट करो बेटा किसको, किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा जिंदगी से एलिमिनेट, आगे बढ़ना है तो नीट एस्पायरेंट हो ना है। चलो इधर आओ, आराम से देखना, मैंने क्या कहा, पी और क्यू की बात हो रही है, सेम क्वेश्चन ही तो है। सर मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, सिंस पी वाई क्यू इज इक्वल्स टू 1/5 है तो सर यहां से क्यू इज इक्वल्स टू 5p लिख सकता हूं या नहीं। देयर फोर अगर क्यू इज इक्वल्स टू 5p लिख सकता हूं बेटा, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर इसकी क्यू की वैल्यू पी के टर्म्स में रख दो। क्या आ रहा है बेटा, पी प्लस 5p डिवाइडेड बाय पी माइनस ऑफ 5p का होल स्क्वायर। बच्चे ये क्या आ रहा है, सर ये आ रहा है 6p डिवाइडेड बाय 4p का होल स्क्वायर, हाँ या ना। अच्छे से देखो बेटा, इसको इससे काटेंगे, अगर मैंने इसको इससे काटा तो ये कितना आ रहा है बेटा, आप बताओ। सर ये आ रहा है 3/2 का, 3/2 का होल स्क्वायर। आपका आंसर क्या आ रहा है बच्चों, सर 9/4 आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं पीछे पलटू, उसके पहले फटाक से बताइए 100% समझ आया या नहीं आया। समझ आया या नहीं आया, एकदम बेसिक बेसिक बातें हो रही हैं, कोई बहुत भारी भारी बातें हम आपके लिए कर नहीं रहे। 9/4 इज द राइट आंसर, राइट, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है बच्चों 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, फाइंड फाइंड एक्स कॉमा वाई। करिए, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। आपको दो इक्वेशन देके रखी हुई है और बोला है x और y की वैल्यू निकालिए। बच्चों अंधा भी देखकर यहां से एक चीज हमको ये बता सकता है बहुत अच्छे से, क्या, कि दो वेरिएबल है, एक है x एक है y, हाँ या ना। हाँ सर, एक है x एक है y, अगर बेटा एक x है और एक y है तो आप बताओ दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन लगेगी या नहीं लगेगी, हाँ या ना। हाँ सर, दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन लगेगी, और क्या हमारे पास दो इक्वेशन है, हाँ जी सर हमारे पास दो इक्वेशन है। तो अब सॉल्व कैसे करना है, अब सॉल्व कैसे करना है, इधर आ जाओ। जितने वेरिएबल हैं उतनी इक्वेशन चाहिए रहेगी, दो वेरिएबल हैं दो इक्वेशन दिए, हमेशा एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने का ट्राई करना, तड़का ध्यान रखना, तड़का इज नॉट अ ट्रिक, तड़का इज एवरीथिंग, वो हर जगह लगेगा। ट्रिक और तड़के में डिफरेंस बता देता हूं आप लोग अगर अभी पहली बार मेरे से मिल रहे हो, ट्रिक कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में लगेगी, तड़का हर क्वेश्चन में लगेगा। अगर क्वेश्चन उस सबसेट का है, अगर क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन का है तो तड़का लगेगा ही लगेगा। एक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट, एक जनरलाइज्ड थिंकिंग है तड़का, तड़का ट्रिक या वो नहीं है, तो इन चीजों का ध्यान रखना। अब देखो कैसे करेंगे, देखो देखो देखो, ऑब्जर्व ऑब्जर्व द इक्वेशन, यू आर गिविंग विद समथिंग, क्या यहां पर एक एलिमिनेट, एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है। अच्छे से देखो, यहां पर 4y है और यहां पर 2y है, क्या मैं यहां पर 4y बना सकता हूं, हाँ सर। इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम हो सकता है, अगर इस इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को जोड़ दिया तो प्लस 4y माइनस 4y कैंसिल आउट हो जाएगा, y एलिमिनेट हो गया मेरी जिंदगी से। आहा, थिंकिंग, तड़का इज अ थिंकिंग मेरे बच्चे। तो बेटा आप समझो यहां से,
फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे बच्चे क्या बन गया, ये बन गया सर 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इन सब को ऐड करने जा रहा हूं। अगर इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों मैंने ऐड किया तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ तो बेटा ये कितना हो जाएगा सर, 3 प्लस 4x, 3 में 4 जोड़ेंगे बेटा 7x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 14। तो बच्चों यहां से x इज इक्वल टू 14 बाय 7, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। हाँ सर, अगर x की वैल्यू 7 आ गई तो किसी भी इक्वेशन में लेट से दिस टू बी इक्वेशन नंबर 1, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 आप x की वैल्यू यहां पर कितना रख दो, 7 रखेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 3 इंटू 7 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। तो यहां से मेरे बच्चे क्या आ रहा है सर, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 21, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 21 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 आया। अब बताओ बेटा y की वैल्यू कितनी आई, फटाक से बताओ y की वैल्यू, y की, ओहो 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 माय मिस्टेक, ये तो भारी ब्लंडर हो गया भाई, भारी ब्लंडर हो गया, E2 आएगा ना, तो यहां पर रख दो 1। हाँ 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 मैं भी नींद में ही हूं लगता है, दिस इज वाई आधे घंटे की नींद इज सो डेंजरस, 4y टाइम ही नहीं है बेटा सोने का इज इक्वल्स टू 10। तो यहां से आपका कितना हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 4y इज इक्वल्स टू 10 माइनस ऑफ 6, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 4 बाय 4 डिवाइडेड बाय 4, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई या नहीं आ गई। हाँ 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 भाई हाँ भाई हाँ 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 बिल्कुल 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 एग्री। और बताओ, ऐसी छपाई में गलतियां होती रहेंगी, यू बिकम यूज टू ऑफ इट, धीरे धीरे आप तो आप खुद कहने लगोगे सर छपाई में गलती होगी, सर छपाई में गलती होगी, है ना। आगे बढ़े, हाँ भाई आगे बढ़ा जाए, 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 10, बढ़िया काम। इसको 5 करो और अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल्स टू 10, देन फाइंड द वैल्यू, देन अल्फा बीटा क्या होगा बताइए भाई, बताओ 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 क्या हो जाएगा। एक 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 एलिमिनेट करना है, अगर एक हमको एलिमिनेट करना है, यहां पर देखो प्लस बीटा, यहां पर देखो माइनस टू बीटा, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और ऐड कर दूं तो क्या मेरा काम हो जाएगा। हाँ सर, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा सर, 4 अल्फा प्लस ऑफ 2 बीटा इक्वल्स टू 10, 4 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 10, और ये आ जाएगा अल्फा माइनस ऑफ 2 बीटा इक्वल्स टू 10। अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से देखो, अगर मैं इनको बेटा ऐड कर दूं दोनों इक्वेशन को, 2 बीटा से 2 बीटा कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 माइनस है, ये हो जाएगा आपका 5 अल्फा इज इक्वल्स टू 20, अल्फा इज इक्वल्स टू 20 बाय 5। तो बाबू भैया यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई या नहीं आ गई, हाँ या ना। हाँ सर आ गई, कोई भी किसी भी इक्वेशन को दे दो बेटा, लेट से दिस टू बी इक्वेशन 1, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 कहां कहां, इक्वेशन 1 में अल्फा की वैल्यू 4 रखो, 4 इंटू 4 प्लस ऑफ 2 बीटा इक्वल्स टू 10, 2 बीटा इज इक्वल्स टू 10 माइनस ऑफ 16,
मेरे बच्चे, 10 माइनस ऑफ 16, 10 माइनस ऑफ 16 कितना आ रहा है, 2 बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 6, बीटा की वैल्यू माइनस ऑफ 6 बाई 3, माइनस ऑफ 3 आ रही है, हाँ या ना बेटा? बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 6 बाई 2, माइनस ऑफ 6 बाई 2 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 3 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, हाँ या ना? मैं यहां पे रुक रहा हूं, लीनियर इक्वेशन 100% दिमाग में घुस गया या नहीं घुस गया बताइए। फिर अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर आते हैं, वो समझना ज्यादा जरूरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिमेट्री बहुत जरूरी है बेटा जिंदगी में। अब देखो, अब अच्छा लगने लगा, बढ़िया काम, क्रिस्टल क्लियर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको होगा कि दिक्कत आएगी, आएगी, देख मुझे पता ही आएगी, मैं जानता हूं, लेकिन जैसे बता रहा हूं वैसे प्रैक्टिस करना, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, श्री द्रोणाचार्य धराचार्य फॉर्मूला, ये सब जब मैं आपको बता रहा रहूंगा ना, तो हो सकता है कि कुछ बच्चों को दिक्कत आए, क्योंकि हर साल आती है, इसलिए मेरे को पता है बेटा, है ना? तो मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, पेशेंस के साथ बेटा अपन कुछ भी जीत सकते हैं जिंदगी में, ठीक है। चलिए आइए, अब हमको जो पढ़ना है बच्चों, पोस्टमार्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, आराम से देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे। अब समझो जो मैं बताना चाह रहा हूं, अब जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको समझना। अभी तक मैंने आपको सिर्फ सॉल्व करना बताया, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन, मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज। नाउ अब लेक्चर स्टार्ट होता है। वेलकम टू माई क्लास, ऐसे चलता रहेगा। अब जो मैं बता रहा हूं उसको सुनना, ये मैथमेटिक्स थी, अब इसको फिजिक्स के नजरिए से कैसे देखना है, बस जैसा बता रहा हूं वैसे सुनते जाना, ठीक है। इसको फिजिक्स के नजरिए से क्या देखना है, कैसे देखना है, ये क्या बता रहा है, अल्फा की वैल्यू 4 और अल्फा की वैल्यू -3 क्या बता रहा है। मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज, ये आपसे कुछ कहेगी, आपको समझना पड़ेगा, ये इशारे करती है, आपको समझना पड़ेगा। ये क्या है, अल्फा की वैल्यू 4, अल्फा की वैल्यू 3, -3 क्या बता रहा है। आप इसमें अल्फा की वैल्यू 4 और अल्फा की वैल्यू -3 रखो, यहां पर 10 है, यहां पर भी 10 आ जाएगा, 4 4 4 4 माइनस ऑफ 2 बीटा, 4 माइनस माइनस ऑफ 2 इंटू माइनस ऑफ 3, 6, 4 प्लस ऑफ 6, 10 आया या नहीं आया, 10 आया या नहीं आया, आराम से देख, 4 और 3 इसमें पुट कर, 2 इंटू 4, 8, माइनस ऑफ 3, 5 आया या नहीं आया। सॉल्यूशंस दे रही है, कंडीशंस बता रही है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू जब 4 और -3 होगा तब 5 और 10 सेटिस्फाई होगा। हा हा हा, अच्छा ये y की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 क्या बता रही है, मतलब जब आप x की वैल्यू 2 क्या बता, यहां पे आप कितना रखो, 2 रखो, और यहां पे आप 1 रखो, यानी 6 प्लस 4, 10 आया या नहीं आया। यहां पर आप 2 रखो, यहां पर आप 1 रखो, 4 माइनस ऑफ 2, 2 आया या नहीं, यानी x और y की इन वैल्यू के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब और आगे जा रहा हूं, वापस जहां से लेक्चर चालू हुआ था, सुन 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 बेटा, यहां पर लिखा था लीनियर इक्वेशन मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। ये मैक्सिमम पावर क्या बता रहा है, ये मैक्सिमम पावर 1 क्या बता रहा है, इसमें जितने भी वेरिएबल होंगे उनकी सिर्फ एक एक वैल्यू ही आ रही होगी, इसके अलावा दुनिया में कोई, इसकी x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 के अलावा दुनिया में x और y की कोई वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, LHS इक्वल टू RHS कर दे। मजा आया, हाँ ना, समझ आया कुछ कुछ, थोड़ा थोड़ा,
हाँ सर, यानी लीनियर मैक्सिमम पावर वन है तो इसके एक सिंगल सेट ऑफ सॉल्यूशन निकलेंगे। वो सिंगल सेट ऑफ सॉल्यूशन क्या बता रहे होंगे? वो सिंगल सेट ऑफ सॉल्यूशन बता रहे होंगे बच्चों कि अल्फा और बीटा की एक एक ही वैल्यू होगी जो इन दो सेट ऑफ इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही होगी। इस सिंगल सेट के अलावा और कोई दूसरी वैल्यू इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे ही लीनियर इक्वेशन एक्स की टू वाई की वन एक सेट बन गया। इस सेट ऑफ इक्वेशन के अलावा और कोई दूसरी वैल्यू सेट ऑफ इक्वेशन यहां पर ब्रह्मांड में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, पॉसिबल ही नहीं है। यहां पर एक्स की वैल्यू -6 रखोगे, माइनस ऑफ सिक्स प्लस ऑफ फोर माइनस ऑफ टू आएगा, यानी एक्स की वैल्यू, यानी एक्स की वैल्यू सिर्फ एक है इस ब्रह्मांड में जो इस इक्वेशन को सॉल्व कर रही होगी, जो सेटिस्फाई कर रही होगी। अच्छे से देखो, एक्स की वैल्यू वन, यानी देखो लीनियर इक्वेशन, इट्स अ लीनियर, एक्स और वाई वेरिएबल की मैक्सिमम पावर वन आ रही है। सिंगल सेट बतेगा, बस आपको यह ध्यान रखना है, सिंगल सेट बनेगा, आपको यह ध्यान रखना है। अब इनका यूटिलाइजेशन क्या है लीनियर इक्वेशन का? बच्चों लीनियर इक्वेशन आपको पता कहाँ देखने मिलेगी? फिजिक्स में जब आप लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे होंगे, उधर पर आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है आप बताइए। वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इज इट अ लीनियर इक्वेशन? कोई भी वेरिएबल कर दो, सबकी पावर वन है। सबकी पावर अगर मैक्सिमम पावर वन है, इसमें वन से ज्यादा पावर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। फील आ गया? फिजिक्स में देखो दिख रही है लीनियर इक्वेशन। दिस इज वाई बेसिक मैथमेटिक्स इज इंपॉर्टेंट। अपन इतने सारे टॉपिक आज कवर कर रहे होंगे। चलो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बारी आती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को समझना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर सबसे पहले जनरल फॉर्म की मैं बात करता हूं तो जनरल फॉर्म देखने में कैसी दिखेगी? एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, याद कर लो जनरल फॉर्म। एक्स स्क्वायर ऐसी दिखेगी। यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने के तरीके क्या है? वेरिएबल कितने दिख रहे हैं? हमेशा एक ही दिखेगा। वेरिएबल कितना दिख रहा है बेटा? एक ही है। और जो वेरिएबल होगा उसकी मैक्सिमम, देखो एक्स ही है या नहीं है वेरिएबल, एबीसी तो कांस्टेंट है। मैक्सिमम पावर क्या होगी बेटा वेरिएबल की? मैक्सिमम पावर हमेशा हमेशा दो आएगी। ये मैक्सिमम पावर टू क्या बता रही होगी? कि एक्स की दो वैल्यू आएंगी। एक सेकंड, एक्स ही है वेरिएबल। अब एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक्स की दो वैल्यू आएंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। वो कौन सी दो वैल्यू होंगी? वो जो दो वैल्यू होती है ना, उनको कहा जाता है बेटा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी दो वैल्यू जिनके ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर मैं एक्स की एक वैल्यू रखूं तो ये जीरो हो जाए और दूसरी वैल्यू भी रखूं तो भी जीरो आए, वो एक्स की दो वैल्यू। एक्स की दो वैल्यू बेटा ये कुछ कहती है, मैं अभी आपको बताऊंगा ना, आपका दिमाग फट जाएगा, लेकिन पहले समझो इस चीज को। आगे जब अभी इसका फिजिकल, मतलब जब मैं इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा रहूंगा तो आपको समझ आएगा। आ हा हा सर, क्या तो बात कही आपने, लेकिन अभी पहले ये समझो थोड़ा सा। इसके रूट्स यानी वो वैल्यू, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकाले जाते हैं? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकाले जाते हैं? आराम से देखिए, रूट्स अल्फा बीटा बोल देते हैं, एक्स वन एक्स टू बोल देते हैं, कुछ भी नाम दे दो, चलो अल्फा बीटा बोल दो। फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल डिवाइडेड बाय टू ए, होल डिवाइडेड बाय टू ए, होल डिवाइडेड बाय टू ए। दिस इज अ जनरल फॉर्म। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये फॉर्मूला आप हमेशा 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 लगा सकते हो।
हमेशा लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अल्फा और बीटा, इसको कहा जाता है बच्चों श्रीधराचार्य फॉर्मूला। हमारे एक साइंटिस्ट हुए, अभी इस बार में आपको फिजिक्स में कुछ एक अलग अप्रोच बताने वाला हूं। अलग अप्रोच आने इस बार मैं फिजिक्स को लिटरेचर से भी कनेक्ट करूंगा। जब मैं आपको बताऊंगा कि इंटीग्रेशन एक्चुअली लेबिनेट्स और न्यूटन ने नहीं दिया था, इंटीग्रेशन दिया था श्री माधवा करके एक अपने साइंटिस्ट थे जो केरल यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे। और जब न्यूटन ने दिया था, जब न्यूटन ने कैलकुलस वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस करा था, उससे कई सदियों पहले श्री माधवा ने दे दिया था। वो सारी कहानियां मैं आपको बताऊंगा, आपको अपने आप इंटरेस्ट जागेगा कि इंडिया कितने आगे था। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला था ये दिया गया था एक बहुत विद्वान साइंटिस्ट द्वारा, अपने आप मुनि कहते थे, श्री धराचार्य जी थे, उन्होंने ये फॉर्मूला निकाला था, इसलिए इसको कहा था श्री धराचार्य फॉर्मूला। धराचार्य श्री धराचार्य फॉर्मूला, श्री लिख लो धराचार्य फॉर्मूला, श्री धराचार्य फॉर्मूला, राइट। अब नाउ यहां पे दो चीज आती है, एक आता है बेटा सम ऑफ रूट, एक आता है आपका सम ऑफ रूट्स। ये फॉर्मूले याद कर लेना है ना, इसका प्रूफ अपने किसी काम का नहीं है, इसका फील अपने काम का है। एक आता है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है बेटा? अल्फा इंटू बीटा। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा आएगा बच्चों माइनस ऑफ बी बाय ए। हमेशा सम ऑफ रूट्स माइनस ऑफ बी बाय ए आएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा सी बाय ए। डोंट वरी, अपन प्रूफ कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको याद होना चाहिए ये सब। पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, अभी मैंने सिर्फ आपको इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब अभी बस बताया है मोटे मोटे तौर पे कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। यहां पर x की दो ऐसी वैल्यूज आएंगी जिसके ऊपर आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होगी। अब इनको समझते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, रेडी। तो पहला इक्वेशन, पहला क्वेश्चन लिखते हैं अपन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सबसे पहले तो पहचानें, is it a quadratic equation or not? Yes sir, it is a quadratic equation. You can see clearly it is in the form of ax square plus bx plus c. It's a too much angreji sir, but we are learning physics and physics is a itself a language. Physics mathematics ki language hai, ya hindi english ka kuch kaam nahi hai. Meri class mein hindi wala bachcha bhi waise hi padhta hai jaise english wala padhta hai. Feel aana chahiye, hai na, samjhe? Chalo aao solve karo. अच्छे से देखो सर, एक वेरिएबल है सिर्फ x। हाँ सर, सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल है x। अच्छा, तो अगर मैं इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करूं, x स्क्वायर के साथ वाला हमेशा a रहता है या नहीं रहता है? x स्क्वायर के साथ वाला हमेशा a रहता है या नहीं रहता है? क्या दिख रहा है बेटा x स्क्वायर के साथ? वन दिख रहा है, आंखें खोल के देखो। अगर आंखें खोल के नहीं दिख रहा तो बंद करके देखो, x स्क्वायर के साथ बिल्कुल आपके जैसा कोई नहीं है। लेकिन आप अकेले थोड़ी हो, आपके साथ आप हो, आप समझो। अच्छा, x के साथ क्या दिख रहा है? b। लेकिन यहां सर प्लस था या माइनस है, तो जरूर b की वैल्यू माइनस ऑफ फाइव होगी या नहीं होगी? सोचो 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 सोचो, b की वैल्यू माइनस ऑफ फाइव और c की वैल्यू सिक्स दिख रही है या नहीं दिख रही है? बस ये बताइए हाँ या ना। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c, ठीक है। अगर ऐसा है तो बेटा अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस ऑफ बी, बी की वैल्यू माइनस ऑफ फाइव प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर। आराम से बेटा, बी स्क्वायर माइनस फोर, माइनस फोर ए सी होल डिवाइडेड बाय
टू ए माइनस ऑफ बी, बी की वैल्यू एज इट इज प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ माइनस ऑफ बी स्क्वायर, माइनस नहीं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो यहां से मेरे बच्चे अल्फा बीटा क्या आ रहे हैं अच्छे से देखो, ये हो जाएगा प्लस फाइव माइनस माइनस प्लस रूट ओवर ऑफ माइनस ऑफ फाइव का स्क्वायर करेंगे बेटा 25 माइनस फोर इंटू सिक्स मेरे बच्चे 24 होल डिवाइडेड बाय टू। अल्फा बीटा कितना आ रहा है सर रूट फाइव, 25 में से 24 गया 1 डिवाइडेड बाय टू। यहां से अच्छे से देखो बेटा अल्फा बीटा कितना आ रहा है, 1 का रूट कितना हो जाएगा सर 1 प्लस माइनस इतना। तो एक बार जब अपन अल्फा लिखेंगे समझो, अब बीच में प्लस माइनस है, अल्फा लिखेंगे तो एक साइन ले लो 5 प्लस 1 बाय 2, तो यहां से मेरे बच्चे अल्फा कितना आ गया 6 बाय 2 3 आ गया। और बच्चों बीटा क्या हो जाएगा आप बताओ, 5 माइनस 1 बाय 2 यानी कि यहां से अगर आप बीटा देखोगे तो 4 बाय 2 बोले तो 2 आ गया या नहीं आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूल रूट कितना आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट 3 इंटू 2 अच्छे से देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है 3 इंटू 2 6 आ रहा है या नहीं, 3 इंटू 2 6 आ रहा है या नहीं। प्रोडक्ट सी बाय ए, सी बाय ए करो 6 बाय 1 6 आया यानी रूट सही है या नहीं। हाँ सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट कितना आ रहा है बेटा 3 प्लस 2 5, सम ऑफ रूट माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ बी बाय ए माइनस माइनस ऑफ 5 बाय 1 यानी बेटा 5 आ रहा है या नहीं देख। हाँ या ना, मैं रुक रहा हूं पहले आप ये बताओ इतना समझ आया या नहीं, उसके बाद अपन आगे की बात करते हैं। फिर एक चीज बता रहा हूं आगे की अंडरस्टैंडिंग कैसे आपको रखनी है। यहां तक क्लियर है, अब सुनो, अब जो बता रहा हूं उसको सुनना। पूरे ब्रह्मांड में एक्स की सिर्फ दो ऐसी वैल्यू है दैट इज 3 और 2। जब यहां पर आप 3 रखोगे तो ये 0 आएगा और जब आप यहां पर 2 रखोगे तो ये 0 आएगा। रख के देखो और कमेंट करके बताओ, रख कर देखो और कमेंट करके बताओ। पहले तो ये देखो पूरे ब्रह्मांड में, अब इसको फिजिक्स से कनेक्ट करूंगा थोड़ी देर में बट वेट फॉर अ वाइल, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ x की दो वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। x की जगह 3 रखोगे तो LHS इक्वल्स टू RHS होगा और x की जगह 2 रखोगे तो LHS इक्वल्स टू RHS होगा। करके देखो भाई, करके देखोगे तो मजा आएगा। क्या दिक्कत आ रही है बेटा, फॉर्मूला श्रीधराचार्य फॉर्मूले में पुट कर माइनस ऑफ माइनस 1 था, b की वैल्यू पुट कर माइनस ऑफ 5 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b का स्क्वायर माइनस ऑफ 5 का होल स्क्वायर प्लस 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 4 ए सी होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, ए की वैल्यू 1। क्या दिक्कत है बेटा इसमें, क्या दिक्कत है डीजी गेम्स डीएस गेम गेमर, एक तो नाम भी सही नहीं लिखते हो आप लोग, दिक्कत क्या है ये बताओ, क्या दिक्कत है। आप ए बी और सी की वैल्यू ही तो पुट करना है, वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दे के रखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर ले, सी की जगह जो दिख रहा है बी की जगह 2 दिख रहा है और ए की जगह जो दिख रहा है उठा के फॉर्मूले में पुट करने का। ये थी जनरल मेथड, लेकिन हर बार आप अगर श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाने बैठ जाओगे तो इट विल कंज्यूम टाइम। हाँ सर, हमने यहां पर x की वैल्यू 3 रखी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 0 आ गया, x की वैल्यू 2 रखी, 2 स्क्वायर माइनस 5x प्लस ऑफ 6 हमारा वापस से बेटा कितना आ गया 0 आ गया। तो सर अब कैसे करेंगे, मेथड 2 दैट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 9th या 10th क्लास में ना, मैं पढ़ा रहा हूं डोंट वरी, आप वहां क्या गुड़गोबर करके आए मेरे को उससे मतलब नहीं, यहां पर क्या कर रहे हो मेरे को उससे मतलब है ना। अल्फा बीटा मेंशन रहेगा सर, अरे अल्फा बीटा मेंशन नहीं रहेगा, ये x1 x2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये x की वैल्यूज है, कुछ भी ले ले यार, वेरिएबल को दोस्त बना। अभी देख धीरे धीरे समझ। मेथड टू कौन सी है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, स्प्लिटिंग द
मिडिल टर्म। अब इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, है ना, आराम से समझना पड़ेगा, धीरे धीरे होले होले आपको समझ आएगा, ठीक है। इक्वेशन क्या है मेरे बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस ऑफ 6 इक्वल्स टू 0। बीच का टर्म ऐसा तोड़ना है, समझो समझो समझो, बीच का टर्म ये है बीच का टर्म। आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं, मैं और अच्छे से लिखता हूं। लास्ट बार इसमें बहुत दिक्कत आई थी बच्चों को समझने में, मैं इस बार डाउट ही नहीं आने दूंगा। आप पूरा कंसंट्रेशन से यहां देखो, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 0, पक्की बात, ये लो। और बेटर तरीका आ गया दिमाग में, चलो इसको बाद में करते हैं, इसको नीचे रखते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स क्या कहता है बच्चों, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स, आराम से देखो, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस ऑफ सी इक्वल्स टू 0 हो गए हैं या नहीं। मिडिल टर्म को पकड़ो, मिडिल टर्म को पकड़ो, इसको ऐसे दो टर्म में तोड़ो, मिडिल टर्म को पकड़ के दो टर्म में तोड़ना है, इसी को दो टर्म में तोड़ना है। लेट्स से ए और बी में तोड़ा, मान लो मिडिल टर्म को दो टर्म में तोड़ा ए और बी, सच दैट ए प्लस बी हमेशा बी एक्स रहे। भाई चेंज थोड़ी ना हो जाएंगे, ए प्लस बी हमेशा बी एक्स रहे और ए इंटू बी हमेशा ए इंटू सी का प्रोडक्ट रहे, ए और सी का प्रोडक्ट रहे। क्या बहुत बड़ी बात है ये समझना, क्या ये बहुत बड़ी बात है समझना, आप बताओ आप बताओ आप बताओ आप बताओ, क्या बहुत बड़ी बात है। बीच के टर्म को ऐसा दो टर्म में तोड़ना है सच दैट उसका टर्म वही बीच का रहे, उसका सम वही बीच का रहे, लेकिन वो टूटे हुए टर्म का प्रोडक्ट करें कोफिशियंट का, तो ए इंटू सी आए कोफिशियंट, एक्स हटा के एक्स हटा के एक्स हटा के, धीरे धीरे समझ आएगा, एक्स हटा के, ठीक है सर, आपने कहा हमने माना। अब प्रॉब्लम करके बताओ, देखो यहां पे 1 दिख रहा है, हाँ सर, यहां पे क्या दिख रहा है 6, ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू कितनी है बेटा 6, 1 इंटू 6 6 हो गया या नहीं, पहले ये समझो। हाँ, ए इंटू सी 6 आ रहा है, तो इस बीच वाले को ऐसा तोड़ो सच दैट उसके कोएफिशिएंट ऑफ ए इंटू बी, ऐसा लिख लो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ऐसा लिख लो ज्यादा अच्छा लगेगा, डोंट वरी मैं और अच्छे से लिख दे रहा हूं। क्या है ना, मैं ये इस बार न्यू तरीके से समझा रहा हूं ताकि डाउट ना आने दूं, है ना। इसको लिखो कोएफिशिएंट ऑफ ए इंटू कोएफिशिएंट ऑफ बी, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ ए इंटू बी मस्ट रिजल्ट इन ए सी। आराम से देखो, माइनस ऑफ 5 को तोड़ो दो ऐसे टर्म में सच दैट वो माइनस ऑफ 5 ही रहे, माइनस ऑफ, देखो कैसे कैसे तोड़ सकते हो, पहले तोड़ते हैं ना, देखते हैं ना, सीखते हैं ना सर। एक तो मैं माइनस ऑफ एक्स कर सकता हूं तो दूसरा माइनस ऑफ 4x हो जाएगा, एक माइनस ऑफ 2x कर सकता हूं तो दूसरा माइनस ऑफ 3x हो जाएगा, एक माइनस ऑफ 3x कर सकता हूं तो दूसरा माइनस ऑफ 2x हो जाएगा, वही पुराने खेल है ना, वो अल्टी पल्टी हो गई, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को देखो बेटा, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है, आराम से समझना, दो हो गए, हाँ सर दो हो गए, पक्की बात। देखो दो तरीके से तोड़ सकता हूं, दोनों मैंने लिख के देख लिए, एक तो माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 4, इन दोनों का सम करो कितना हो रहा है, माइनस ऑफ 5 आ रहा है, हाँ सर, माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 3, इन दोनों को जोड़ो माइनस ऑफ 5x आ रहा है, हाँ जी सर। लो भाई पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ए प्लस बी कंप्लीट मिला के कितना आना चाहिए, ए प्लस बी कंप्लीट मिलाकर आना चाहिए माइनस ऑफ 5, यानी बी एक्स यानी बीच वाला टर्म आ रहा है भाई, कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है। अब देखो बच्चों, इसके कोएफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन करो, माइनस यहां पर कितना है, माइनस ऑफ वन और माइनस ऑफ फोर, मल्टीप्लीकेशन करो, माइनस ऑफ वन इंटू माइनस ऑफ फोर कितना आ रहा है बेटा, सर ये तो फोर आ रहा है। अच्छा इसके कोएफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन करो, माइनस ऑफ टू माइनस ऑफ थ्री, माइनस ऑफ टू, माइनस ऑफ टू इंटू माइनस ऑफ थ्री, क्या ये सिक्स आ रहा है क्या? हाँ जी सर, ये ए इंटू सी के बराबर आ रहा है, यानी कि हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे या नहीं। तो इस इक्वेशन को आपने कैसे लिखना है, इस इक्वेशन को आपको लिखना है बेटा एक्स स्क्वायर, माइनस फाइव को तोड़ के लिखो, माइनस ऑफ टू एक्स माइनस ऑफ थ्री एक्स प्लस ऑफ सिक्स, माइनस ऑफ टू एक्स माइनस ऑफ थ्री एक्स प्लस ऑफ सिक्स, ठीक है सर। अच्छा अच्छे से देखो, इन दो टर्म को देखो, अगर x कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू जीरो ऑब्वियसली, हाँ या ना। मैं अभी यहां पर रुक रहा हूं लेकिन आपसे पूछ रहा हूं, यहां तक कोई डाउट है पूछ लो, डाउट नहीं आने दूंगा, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूं कि यहां तक कोई डाउट हो बता दो, इससे ज्यादा स्लोली तो आपके टेंथ के टीचर ने भी नहीं पढ़ाया होगा, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूं ये बेसिक्स आपके बन माने का। चार पांच क्वेश्चन करेंगे आगे, ऑटोमेटिकली अपने अंदर से आवाज आने लगेगी, आ गया आ गया आ गया आ गया, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए आइए, अब इसको देखिए, इसको पकड़ो बस, इसको इसको यहां से x कॉमन लो, जो कॉमन दिख रहा है वो बाहर ले लो, x मैंने बाहर लिया, x माइनस ऑफ टू बचा, x माइनस टू एज इट इज यहां रख दो, x माइनस टू एज इट इज यहां पर रख दो, रख दो रख दो रख दो, x माइनस टू आया, जो भी आया उसको एज इट इज यहां पर रख दो। अब ये x माइनस टू से ये बचा हुआ टर्म बनाने की कोशिश करो, एक बात बताओ, यहां प्लस सिक्स से ये माइनस टू है, प्लस सिक्स से माइनस टू है, अगर मैं इसको माइनस ऑफ थ्री से मल्टीप्लाई कर दूं तो देख, माइनस ऑफ थ्री इंटू एक्स माइनस ऑफ थ्री एक्स, माइनस ऑफ थ्री इंटू माइनस ऑफ टू प्लस ऑफ सिक्स बन जाएगा या नहीं, हाँ सर बन गया। अब मैं इसमें से x माइनस टू और बाहर ले ले रहा हूं, अब इस पूरे में से x माइनस टू अगर मैंने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बच रहा है बेटा, x माइनस ऑफ थ्री इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब क्या है, या तो ये जीरो होगा तो जीरो इंटू दिस जीरो हो जाएगा, या ये जीरो होगा तो जीरो इंटू दिस जीरो हो जाएगा, इसका मतलब बच्चों x माइनस टू इक्वल्स टू जीरो हो रहा है, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू टू आ रहा है, और x माइनस ऑफ थ्री इक्वल्स टू जीरो हो रहा है, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू थ्री आ रहा है। अच्छे से देखो, क्या 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 श्रीधराचार्य फॉर्मूले से ही, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से भी सेम चीज आई थी क्या? नहीं तो सर, ये अलग अलग चीज करने की क्या जरूरत पड़ी? अब सुनो 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 सर, ये अलग अलग चीज करने की क्या जरूरत पड़ी, ये भी तो पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अब सुनो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमेशा वैलिड नहीं होगा, कई बार ऐसा आएगा कि आप मिडिल टर्म को इन दो कंडीशंस में स्प्लिट नहीं कर पाओगे, तो आपको श्री धराचार्य जी के पास जाना पड़ेगा, समझे? ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला इज जनरल सॉल्यूशन, हमेशा वैलिड होंगे, लेकिन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तभी वैलिड होगा जब आप बीच का टर्म तोड़ पाओगे। बताइए, आगे बढ़े। अब इसी प्रकार से, ये तो मैंने बहुत स्लो समझाया, इसी प्रकार से देखो बेटा, एकदम स्लो समझाया, अब आपको ये समझ आ गया कि हाँ भैया, इस इक्वेशन की ये रूट्स जो आए हैं, इसका मतलब है जब अपन रूट्स को उठा के रखेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, इसका फिजिकल मतलब जब मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद तो आपको और मजा आएगा, आ हा हा मैथमेटिक्स बोल रही है सर, चीख रही है, आप ऐसा करोगे, लेकिन उसके लिए पहले प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्वेश्चन लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी वन इज इक्वल्स टू जीरो, सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी वन इज इक्वल्स टू प्लस ट्वेंटी वन इज इक्वल्स टू जीरो। चलिए मिडिल टर्म ऐसा स्प्लिट करो कि ट्वेंटी वन बन जाए, तो सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन हो जाएगा, हाँ या ना,
ये लो जी। तो यहां से बेटा x x बाहर निकालो इसमें से, x बाहर निकाला, x प्लस सेवन यहां पर रख दो। अब इसको रखना है तो प्लस ऑफ थ्री कर दूंगा, प्लस ऑफ 3 × 7 21 बना रहा है, हाँ तो ऑटोमेटिकली आगे वाला आ जाएगा, इसको जीरो रखूंगा। बेटा x प्लस सेवन मैंने यहां से कॉमन बाहर निकाला, x प्लस 3 बचा इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब या तो x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 हो रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू माइनस ऑफ 7 आ रही है, या फिर बच्चों या फिर आपका x प्लस 3 0 हो रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू माइनस ऑफ 3 आ रही है, यानी x की वैल्यू माइनस ऑफ 7 और x की वैल्यू माइनस ऑफ 3 जब मैं रखूंगा तो मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होगी या नहीं हो रही होगी। चलो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ 27 इज इक्वल्स टू 0। 27 वन इंटू 27 27 6 लाना है, 9 3 9 3 27 हो रहा है, माइनस ऑफ 9 प्लस ऑफ 3x कर दो, 9 3 27 हो रहा है या नहीं, हाँ लो भाई टूट गया। तो ये कैसे तोड़ तोड़ देंगे बच्चों, मिडिल टर्म आ जाइए, 9 3 27 एक्स स्क्वायर माइनस, देखो माइनस साइन लाना है, माइनस ऑफ 9x प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 27 आएगा या नहीं आएगा, माइनस ऑफ 27 इक्वल्स टू 0। अब यहां से बेटा x कॉमन निकाल लो, ये बच रहा है आपका x माइनस 9, यहां पर आपका आएगा x माइनस 9, यहां पर माइनस ऑफ 27 बनाना है तो प्लस ऑफ 3 कर दूं इज इक्वल्स टू 0, ऑटोमेटिकली आ जाएगा x माइनस 9, तो अंदर क्या बच रहा है बेटा x प्लस ऑफ 3 होने लगा जल्दी जल्दी, तो यहां से बच्चों क्या आ रहा है आपका x माइनस 9 अगर 0 हुआ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, या फिर बच्चों x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 हुआ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा माइनस ऑफ 3। बीच के टर्म को तोड़ो, मैं आपसे फिर कह रहा हूं सुनो मेरी बात, हो सकता है मैं आपकी दिल की बात कह रहा हूं सुनना, शायद आप लोग कनेक्ट कर पाओ, हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही हो लेकिन कह नहीं पा रहे हो, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, तू मैसेज करना मेरे को, लेकिन मैसेज करने से पहले एक बात ध्यान रखना, कम से कम 10 बार अपने आप को यह समझाने की कोशिश करना वीडियो देखने के बाद, 10 बार अपने आप को जब तू समझा लेगा और फिर भी ना समझ आए तो एजे तेरे साथ खड़ा है, लेकिन पहले प्रयास पूरे करने हैं, पहले ही हाथ खड़ा नहीं करना बेटा, अब बिना प्रयास किए अगर हाथ खड़े कर दोगे तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है, समझे, प्रयास पूरे करने हैं तभी मजा आएगा बेटा जिंदगी में। अब कुछ और टाइप की प्रॉब्लम जा रहे हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक ही है, क्वाड्रेटिक एक्स की पावर 2 मतलब कि सिंगल वेरिएबल पावर 2 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट हर बार इस पर्टिकुलर फॉर्म की नहीं दिखेगी। अब समझो समझो, लेट्स से एक आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0, सिंगल वेरिएबल पावर डबल यानी क्वाड्रेटिक, सिंगल वेरिएबल पावर डबल, सिंगल वेरिएबल पावर डबल यानी क्वाड्रेटिक। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो समझो मेरी बात, इसको आप सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, हाँ या ना बेटा, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, हाँ जी सर, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आई या नहीं आई बताओ, हाँ या ना, एक्स की वैल्यू 4 आई या नहीं आई, एक्स की वैल्यू 4 आई या नहीं आई, हाँ या ना, एक पूछ रहा है यूज कहाँ होता है कौन से चैप्टर में, ठंड रख चपाटा मारूंगा, पहले दौड़ना सीखना नहीं, मंजिल पे तेरे को पहले जानना है, अगर मैं इस रास्ते चलूंगा तो क्या होगा, पहले चलना सीख बे, समझा, पहले चलना सीख, क्या बता रहा हूं वो सीख, कह दिया जब मैंने बताऊंगा इसका मतलब क्या है कहाँ यूज होगा, पहले बता भी दिया, लेकिन नहीं सर यूज क्या होगा सर बता दो मेरे को, इसको मैसेज करके बताने, बेटा ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, अगर आप ऐसे सॉल्व करें हो तो ये गलत है। अब देखो गलत क्यों है, दिस इज रॉन्ग सॉल्यूशन, दिस इज रॉन्ग सॉल्यूशन, रॉन्ग सॉल्यूशन, रॉन्ग सॉल्यूशन, रॉन्ग सॉल्यूशन, क्या बात कर रहे सर हमने तो यही किया। अब एक बात बताओ, सोचो
एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, एक्स की दो वैल्यू होगी अल्फा बीटा, आपने तो एक ही निकाली। लो भाई, आपने तो एक ही निकाली। अब आया, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मजा आया। हाँ यार सर, एक ही है फोर, सर ये तो गलत हो जाएगी, तो अब मैं कैसे सॉल्व करूंगा, दो वैल्यू आना चाहिए। अगर तूने एक्स से एक्स काट दिया, तूने एक वैल्यू उड़ा दी, क्या ये पॉसिबल है? अगर एक्स स्क्वायर है तो दो वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू थ्री है तो तीन वैल्यू आएगी, एक्स की पावर फोर है तो चार वैल्यू आएगी, एक्स की पावर फाइव है तो पांच वैल्यू आएगी। जितनी डिग्री होगी उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकलेंगे। लीनियर इक्वेशन की बात अगर मैं करता हूं, पावर वन थी तो एक सेट निकला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करता हूं, पावर टू है तो दो रूट्स आएंगे या नहीं आएंगे, बोलो हाँ या ना। पावर टू है तो बच्चे यहां से कितने दो रूट्स निकलेंगे, टू रूट्स पॉसिबल। लिखो यहां पर, यहां पर लिखिए टू रूट्स पॉसिबल। अगर डिग्री थ्री होगी तो थ्री रूट्स पॉसिबल, डिग्री फोर होगी तो फोर रूट्स विल बी पॉसिबल। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, एक्स कॉमन लो, एक्स अगर कॉमन लिया अंदर क्या बचा, एक्स माइनस ऑफ फोर बचा या नहीं बचा, इज इक्वल टू जीरो। अगर एक्स इंटू एक्स माइनस फोर जीरो आ रहा है तो जरूर या तो एक्स जीरो होगा, या तो जरूर बेटा एक्स जीरो होगा, या जरूर एक्स माइनस ऑफ फोर जीरो होगा। तो यहां से बच्चों एक्स इज इक्वल्स टू फोर आ जाएगा, तो दो वैल्यू निकल रही है एक्स की, एक जीरो निकल रही है, एक फोर निकल रही है। अब आप दोनों वैल्यू यहां पे रख के देखो, एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे तो भी जीरो हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू फोर रखो तो भी फोर हो जाएगा। हाँ या ना, एक्स की वैल्यू फोर रखो तो भी फोर हो गया या नहीं हो गया, बताओ मजा आया या नहीं आया। हाँ या ना, राइट 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 राइट। एक और क्वेश्चन देता हूं, चलो अब देखता हूं कितनों की बत्ती जल रही है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लो। एक्स क्यूब माइनस ऑफ नाइन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। आप इस क्वेश्चन से क्या समझ रहे हो आप, एक्स क्यूब माइनस ऑफ नाइन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, इस इक्वेशन से क्या समझ रहे हो आप? सर इस इक्वेशन से मैं ये समझ रहा हूं, वेरिएबल एक है लेकिन उसकी पावर तीन है, तो तीन 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 एक्स की वैल्यू के ऊपर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होगी या नहीं हो रही होगी। हाँ सर, अब दिमाग चलना चालू हुआ। तो सबसे पहले तो एक्स बाहर ले लो, एक्स बाहर ले लिया तो बेटा ये क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ नाइन इज इक्वल्स टू जीरो। तो अगर ऐसा है तो जरूर एक वैल्यू तो भैया एक्स इज इक्वल्स टू जीरो आ गई। हाँ जी सर, एक वैल्यू तो एक्स इज इक्वल्स टू जीरो आ गई, और एक और वैल्यू क्या हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ नाइन इज इक्वल्स टू जीरो। इसको कैसे सॉल्व करूंगा सर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू नाइन, एक्स इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ नाइन, और जब भी कोई वैल्यू रूट से बाहर आती है तो क्या प्लस माइनस आता है या नहीं आता है, तो एक वैल्यू प्लस थ्री, एक वैल्यू माइनस थ्री, और एक वैल्यू जीरो। जीरो रख के देखो क्या जीरो आ रहा है, प्लस थ्री रख के देखो क्या जीरो आ रहा है, माइनस थ्री रख के देखो क्या जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है, पक्के से बताओ बेटा कमेंट सेक्शन में। तीनों वैल्यू पुट करके देखो, तीनों वैल्यू पुट करके देखो, बताओ जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ या ना, तीनों वैल्यू पुट करके देखो, बताओ जीरो आ रहा है या नहीं। मजा आया, चलो एक बवाल सवाल दो, एक बवाल सवाल दो। चलिए देखता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है, एक्स की पावर फोर माइनस थर्टीन एक्स प्लस 36 इज इक्वल्स टू जीरो। एक्स की पावर फोर माइनस 13x प्लस ऑफ 6 इज इक्वल्स टू जीरो, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर, वैल्यू तो ऐसी दिख रही है। अब समझो, वैसे तो
1% चांस भी नहीं है इस टाइप का क्वेश्चन आपका नीट में है। बस आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक टफ क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है? ठीक है, एपी का कोई काम नहीं है फिजिक्स में, जो काम है वही कराऊंगा। तो तेज मत चलो, मेरे को पढ़ा लें दो बेटा, तुमसे ज्यादा मैंने, तुमने जितने डॉक्टर देखे नहीं होंगे ना अपनी जिंदगी में या गिने नहीं होंगे, उससे ज्यादा डॉक्टर मैंने बना दिए हैं। तो तेज मत चलो, जितना कह रहे हैं बस उतना करो, ठीक है? सर एपी भी पढ़ा देना सर जीपी के साथ। अबे जब कोई काम का ही नहीं है, मैथमेटिक्स वैसे ही तेरे गले में बेटा कंकड़ बन के अड़ी हुई है, तू और उसमें बेटा पत्थर डालने की कोशिश कर रहा है। समझो समझो समझो, आप क्या करो, आप क्या करो, आप कुछ मत करो। यहाँ पे देखो, एक इसमें यार कुछ करेक्शन करते हैं, इसको स्क्वायर कर लो, अब सही हो जाएगा, स्क्वायर कर लो। आप क्या करो, आप क्या करो, एक्स स्क्वायर को वाई मान लो। आप क्या करो बेटा, एक्स स्क्वायर को वाई मान लो। अगर एक्स स्क्वायर को मैंने वाई माना तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे, वाई स्क्वायर हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बोले तो एक्स टू दी पावर 4 वाई स्क्वायर हो जाएगा या नहीं, आराम से देखो। हाँ हो जाएगा, तो एक्स टू दी पावर 4 की जगह क्या लिख सकता हूं बेटा, वाई स्क्वायर माइनस 13y प्लस ऑफ 36 इज इक्वल्स टू 0। द प्रॉब्लम इज कन्वर्टेड इनटू द क्वाड्रेटिक और नॉट। अब मिडिल टर्म में स्प्लिट करो 13, 13 इज अ प्राइम नंबर सर। सर 13 कैसे, सर 13 तो 1 होगा और 13 होगा, 36 तो बन ही नहीं सकता, मिडिल टर्म स्प्लिट हो ही नहीं सकता। मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा तो हम किसके पास भागेंगे बेटा, मदद मांगने, बताइए, बताओ 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 बताओ, किसके पास भागेंगे, किसके पास भागेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूले के पास भागेंगे या नहीं भागेंगे? हाँ या ना, हाँ। यानी y की दो वैल्यू, अभी x वाला का हमने y में कन्वर्ट कर लिया, y की दो वैल्यू होगी, एक होगा y1 एक होगा y2, माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 4 ac 4 इंटू 36 कर दूं, a की वैल्यू तो 1 ही है, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। तो बेटा y1 और y2 कितना आ रहा है सर, 13 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 169 माइनस ऑफ 13 इंटू 6 140 और 24 120 और 24 144 144 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। बेटा 169 माइनस 144 25 प्लस या 25 आया, 25 का रूट 5 हो जाएगा या नहीं? तो बेटा y12 आपका क्या आया, 13 प्लस माइनस 5/2। तो यहां से मेरे बच्चे y1 कितना आएगा, 13 प्लस 5/2, तो y1 की वैल्यू कितनी आएगी आप बताओ सर, 13 प्लस 5/2 बोले तो 9 आ गई या नहीं आ गई? एंड y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 13 माइनस 5/2 8/2 बोले तो y2 4 आ गया या नहीं आ गया? लेकिन सर y1 y2 की तो वैल्यू होनी नहीं थी, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है ना, y1 y2 की वैल्यू थोड़ी ना निकालनी थी आपको, तो x की 4 वैल्यू निकालनी है आपको, x की 4 वैल्यू निकालनी है। अच्छे से देखो, y1 को x1 का स्क्वायर लिखूंगा और y2 को x2 का स्क्वायर लिखूंगा, बिकॉज x स्क्वायर इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर लिखना पड़ेगा या नहीं लिखना पड़ेगा? हाँ, यानी सर इसको मैं लिख रहा हूं x1 का स्क्वायर और इसको मैं लिख रहा हूं x2 का स्क्वायर, तो x1 की वैल्यू रूट ओवर ऑफ 9, x1 की वैल्यू रूट ओवर ऑफ 9 आई, तो x1 की दो वैल्यू हो जाएंगी प्लस माइनस 3, और x2 की वैल्यू रूट ओवर ऑफ 4 आई, तो बेटा x2 की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस ऑफ 2, यानी कि प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 2, यानी प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3, 4 वैल्यू आएंगी इस इक्वेशन को। उठा के देख लो बेटा, उठा के देख लो, देख लो आराम से, क्या हमारा सेटिस्फेक्शन हो रहा है इक्वेशन का, और अपने अंतर्मन का, दोनों का सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है। आप रख के देख लो चारों वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है, तब आपको मजा आएगा। अब पहले कर लो,
पहले सब बताओ, समझ आया हो तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फील देता हूं कि भैया क्यों हम इतने कर्म कांड कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं गणित, जरूरी है ना, बताइए बताओ 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 बताओ। देखो सुनो, फील दे रहा हूं लेकिन अगर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ना समझ आए तो टॉपिक आने का वेट करना, ठीक है। वैसे तो मैं ट्राई करूंगा कि सब समझा दो, है ना। देखो आओ समझो सीखो, लेट्स से ये आपकी एक, अभी सिर्फ समझना, जितना बता रहा हूं उतना सुनते जाना, ऑटोमेटिकली चीजें समझ आएंगी। ये आपकी धरती मैया है, आपने यहां से एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकी, समझना है, आपने यहां से बॉल एक ऊपर की तरफ फेंकी। तो बच्चों जब आप बॉल ऊपर की तरफ फेंकोगे, ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी और उसके बाद वापस आएगी वापस आएगी वापस आएगी वापस आएगी वापस आएगी, हाँ ना। हालांकि आप जहां फेंकोगे वहीं पर वापस आके गिरेगी, लेकिन मैं यहां बता रहा हूं आपको साइड में ताकि आपको समझा पाऊं ज्यादा अच्छे से, है ना। यहां से कुछ इसका रास्ता ऐसा हो जाएगा या नहीं कहो, हाँ हाँ जी सर। ये ऊपर की तरफ u की वेलोसिटी से फेंकी, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g का लग रहा होगा, अभी के लिए मान लो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g का लग रहा होगा। आपसे कहा है टाइम बताइए कि भैया कितना लगेगा ऊपर जाके नीचे आने में, अभी इतना, बस इतना ध्यान। हाँ यार ये ऊपर फेंकूंगा तो नीचे आ रही है, हाँ जहां फेंका वहीं आया, हाँ जैसे ऊपर गया वैसे नीचे आया, हाँ। तो मैंने कहा इसको ऊपर जाके नीचे आने में कितना टाइम लगा वो बताओ, बस सर इतनी सी बात है, हाँ बस एक बात बताओ, ये जहां से ऊपर गई वापस वहीं से आई तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अभी आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, डोंट वरी, जब मोशन इन वन डी पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से बताएंगे, अभी सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे आएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा या नहीं होगा, हाँ या ना। नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, जहां से चला वहीं आ गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो। अभी एकदम नाइन्थ वाली बात कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट नहीं पता फिर मोशन इन वन डी तक रुकना, बस मैं अभी यह बता रहा हूं कि इसका एप्लीकेशन कैसे आपको देखने मिलेगा। हाँ सर डिस्प्लेसमेंट जीरो, बेटा इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ यू की, अच्छा जी अच्छा, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो माइनस ऑफ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ होता है, और ये डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, और टाइम ऑफ फ्लाइट आपको बताना है कि ऊपर जाके नीचे आने में कितना टाइम लगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा या नहीं, हाँ जी सर। आराम से देख बच्चे, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो क्या बेटा ये यू टी प्लस हाफ ऑफ माइनस ऑफ जी इंटू टी का स्क्वायर, जब बेटा यहां से सॉल्व करेगा हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू टी, तो मेरे बच्चे आप बताओ ये टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा सर, 2u by g आएगा या नहीं आएगा, हा या ना, हा या ना। मैं यहां पे रुक रहा हूं, बताइए आएगा या नहीं आएगा, मैं यहां पे रुक गया आराम से, आप बताइए आएगा या नहीं आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट यही आता है फ्री फॉल मोशन का, आगे फॉर्मूला याद, आगे तो छोड़ दो, जब पढ़ाएंगे तो फॉर्मूला वॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, देख के आंसर निकालूंगे कि 40 मीटर पर सेकंड से बॉल फेंकूंगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकंड आएगा, 30 मीटर पर सेकंड से फेंकूंगा 6 सेकंड आएगा, 20 मीटर पर सेकंड से फेंकूंगा 4 सेकंड आएगा, 100 मीटर पर सेकंड से फेंकूंगा 20 सेकंड आएगा, ऐसे आप आंसर बता रहे होंगे। लेकिन ये आया या नहीं आया, यस सर। अब सुनो, गधे हो तुम लोग, तुम लोग कौन हो बोलो, लिख लो कॉपी में लिख लो, तुम लोग कौन हो, गधे हो। अबे ढोरो, अभी 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 ताजा ताजा मैंने आपको बताया था इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तूने ये वाली गलती करी या नहीं करी, तूने क्वाड्रेटिक इक्वेशन काट दी बे, यही के यही सिद्ध हो गया कौन हो तुम, फिर कहते हो तुम लोग फिजिक्स टफ है, यही गलती करी ना, टी से टी काट दिया ना,
ऐसे ही बताया था ना स्कूल में। मानो गलती करी है तो दिस इज नॉट अ राइट सॉल्यूशन। इस यहां से आगे बढ़ो, इस वाली इक्वेशन से आगे बढ़ो, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनाब, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब खुल गई आंखें हैं? अब खुल गई आंखें, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे सॉल्व करेंगे सर? ut माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर है, तो सबसे पहले t बाहर ले लेंगे, u माइनस हाफ ऑफ gt बचेगा, इक्वल्स टू जीरो आ रहा है, इक्वल्स टू जीरो। तो सर या तो t इक्वल्स टू जीरो होगा, या तो ये जीरो होगा, या फिर बच्चों u माइनस ऑफ gt जीरो होगा, तो यहां से t इज इक्वल्स टू 2u बाई g आएगा या नहीं आएगा। अब ये दो सॉल्यूशन क्या बता रहे हैं समझो। अब ये गणित को थोड़ी ना पता कि तुम डिस्प्लेसमेंट के साथ खेल रहे हो। अब यहां पे गणित का मिलन होगा फिजिक्स से, समझो। गणित ने तो ये बता दिया, गणित ने क्या बताया, गणित ने ये बताया कि यहां पर बॉल दो टाइम पे रहेगी, एक तो जब फेंकी तब, देखो t इज इक्वल्स टू जीरो, जब आपने फेंकी थी तब t इज इक्वल्स टू जीरो, और एक 2u बाई g टाइम के बाद यहां पर वापस आ जाएगी या नहीं, गणित ने यह बता दिया। उसको यह थोड़ी ना पता कि आप जीरो डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन के साथ खेल रहे हो, समझो। गणित ने आपको यह बताया कि दो जगह टाइम, दो जगह पर डिस्प्लेसमेंट वाली पोजीशन जीरो वाली पोजीशन होगी। गणित को घंटा नहीं पता कि आप डिस्प्लेसमेंट के साथ खेल रहे हो। गणित को सिर्फ गणित पता है, गणित लैंग्वेज है, वो आपको बोल देगी भैया दो बार टाइम जीरो हो रहा है, आपने जो कंडीशन लगाई, आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि ये दो बार जीरो क्या, ये दो बार टाइम क्या बता रहा है, दो वैल्यू ऑफ टाइम क्या बता रही है। यहां पर एक तो t इज इक्वल्स टू जीरो पे यहां पर था, और t इज इक्वल्स टू 2u बाई g पर वापस यहां आ गया। दिस इज फिजिक्स मीटिंग विद द गणित। मजा आया, फील आया या नहीं आया? अब आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं पता, तो वो अपन इक्वेशन में बात करेंगे ना, आपको किस बात का लोड है? क्लियर है एकदम? बिल्कुल दिमाग में घुस गया हो तो कमेंट में बता देना यार कि हां सर दिमाग में एकदम खटाखट घुस गया है। सेम चीज आपकी प्रोजेक्टाइल में आएगी, सेम चीज आपकी बहुत सारी, सेम चीज आपकी जब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज वाले प्रॉब्लम आएंगे तब आएगी। सुबह ही मैं जब 7:30 बजे सेशन ले रहा था यूट्यूब पर, तो वहां पर डायरेक्शन ऑफ मोशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एप्लीकेशन आई, सॉल्व करवाई, आता है हर बार। दिस इज द पावर ऑफ यूनिफिकेशन। कॉन्सेप्ट को यूनिफाई करके पढ़ेंगे ना तो पता रहेगा। चलो आओ, बहुत बढ़िया। एक तो इस बार इतना स्लो पढ़ा रहा हूं ना मैं, क्योंकि मैंने इस बार चाहा है कि कम से कम 10 बच्चे 180 आउट ऑफ 180 निकालना है मेरे को। 10 बच्चे मेरा टारगेट है, 10 बच्चे 180 आउट ऑफ 180 फिजिक्स में निकालने हैं एनी हाउ 2025 में। दिस इज वाई मैं इतना ज्यादा स्लो पढ़ा रहा हूं, है ना। हर बार आप देख रहे हो कुछ ना कुछ टॉपिक छूट जा रहा है, डोंट वरी। चलो आओ इधर आइए, कुछ सिंप्लीफिकेशन करेंगे। रेडी? बच्चों को दिक्कत होती है सिंप्लीफाई करने में चीजों को, तो धीरे धीरे अपन सिंप्लीफिकेशन भी सीखते हैं। आइए एक एक करके आपको सिंप्लीफिकेशन सिखाता हूं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ सिंप्लीफिकेशन आपको ऐसा दिखेगा, 1 plus x plus 1y by 1 upon x plus 1 upon of y। सॉल्व करने पे क्या होगा बच्चों, इनका एलसीएम x इंटू y, इधर पे क्या हो जाएगा, y प्लस ऑफ x। सर ये कैसे हुआ, एक्स वाई वाई प्लस ऑफ x। आइए समझाता हूं आराम से। 1 plus of x 1 by x plus 1 upon y is equals to। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले कॉमन बनाते हैं, x इंटू वाई कॉमन बनाते हैं, x इंटू वाई कॉमन बनाया, आराम से देखो कॉमन बनाया x इंटू वाई।
अब ये एक्स इंटू वाई को, एक्स इंटू वाई को डिवाइड किया, जब यहां पे कर रहे हैं डिवाइड किया एक्स से, एक्स से एक्स कट गया, जो बचा वो यहां ऊपर लिखा। अब इस एक्स इंटू वाई को डिवाइड किया वाई से, ये यहां पर वाई है ना, इधर पे वाई, इसको इससे काटा, क्या बचा एक्स, प्लस साइन के साथ यहां पर एक्स कर देना, वाई प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स वाई आया या नहीं आया, हाँ या ना, वाई प्लस एक्स डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय एक्स वाई आया या नहीं आया, राइट 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 राइट। चलो वन प्लस वन, वन बाय टू प्लस वन बाय टू करिए कितना आ रहा है, वन बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री करिए कितना आ रहा है, वन बाय टू प्लस वन बाय थ्री करिए कितना आ रहा है, चलिए करिए कितना आ रहा है। चलिए आइए इजिली, मतलब स्टेप बाय स्टेप, डायरेक्ट करने की कोशिश कोई नहीं करेगा सर, x इंटू वाई टू इंटू टू फोर, फोर डिवाइडेड बाय टू प्लस ऑफ टू फोर बाय फोर, वन आ रहा है या नहीं, ये आ जाएगा कितना बेटा, थ्री इंटू थ्री, नाइन बाय थ्री थ्री, नाइन बाय थ्री थ्री, सिक्स बाय नाइन, सिक्स बाय नाइन आ रहा है, यानी कि क्या ये टू बाय थ्री आया या नहीं आया, हाँ जी सर आया, अच्छा टू इंटू थ्री, टू इंटू थ्री सिक्स डिवाइडेड बाय टू थ्री, प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री, सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री टू, फाइव बाय सिक्स आया या नहीं आया, हाँ या ना, आराम से आया या नहीं आया, हाँ या ना, वन बाय सेवन प्लस वन बाय थ्री करो, करो वन बाय सेवन प्लस वन बाय थ्री कितना आ रहा है, आराम से देखो सर, ट्वेंटी वन थ्री प्लस सेवन टेन अपॉन ट्वेंटी वन आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट right? अच्छा इसी में प्लस की जगह माइनस लगा दो, तो वन अपॉन एक्स माइनस ऑफ वन अपॉन वाई, वन अपॉन एक्स माइनस ऑफ वन अपॉन ऑफ वाई कितना आ रहा है, सर वैसे ही करेंगे एक्स डिवाइडेड बाय वाई, एक्स इंटू वाई एलसीएम लिया, एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाय एक्स करेंगे तो वाई बचेगा, बीच में माइनस साइन है, एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाय वाई करेंगे तो एक्स बचेगा, तो भैया ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोलो आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है, बहुत अच्छे, चलिए सॉल्व करिए मेरे साथ, वन बाय टू माइनस वन बाय थ्री कितना आ रहा है, वन बाय थ्री माइनस वन बाय टू कितना आ रहा है, फाइव बाय सिक्स, अच्छा ठीक है, हाँ फाइव बाय सिक्स, चलो 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 चलो, हाँ रुको 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 रुको, एक क्वेश्चन और करो यहाँ पर सॉल्व करिए, इधर पे करो टू बाय थ्री प्लस थ्री बाय टू, करो टू बाय थ्री प्लस थ्री बाय टू, टू बाय थ्री, टू बाय थ्री प्लस थ्री बाय टू, एलसीएम लीजिए सिक्स, यहाँ पे टू ऑलरेडी पहले से है, सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री आएगा तो इंटू टू, प्लस थ्री डिवाइडेड बाय ये थ्री आ जाएगा, सिक्स डिवाइडेड बाय टू यानी थ्री, तो आंसर आएगा फोर प्लस नाइन बाय सिक्स, कितना आ रहा है बेटा थर्टीन बाय सिक्स आ रहा है क्या, कितना आ रहा है थर्टीन बाय सिक्स आ रहा है क्या, थर्टीन बाय सिक्स आ रहा है सबका 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 सबका, कितना हो जाएगा सिक्स, सिक्स तो नीचे आ गया, टू टू इंटू टू फोर, फोर प्लस थ्री इंटू थ्री नाइन, थर्टीन बाय सिक्स आया, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, हो जाएगा छ, तीन माइनस दो एक बटा छ,
ये हो जाएगा 6, 2 माइनस 3 माइनस ऑफ 1/6, हाँ है ना। चलिए 5/6 माइनस 5/6 माइनस ऑफ 2/5/6 माइनस ऑफ 3/4, 5/6 माइनस ऑफ 3/4 कैसे करेंगे? एलसीएम ले लो, 6 4 जा 24, 24 डिवाइडेड बाय 6 4, 5 इंटू 4 20, माइनस 24 डिवाइडेड बाय 4 6, 6 इंटू 3 18, 2/24 1/12, 2/24 1/12 आया या नहीं आया? हाँ या ना? 2/24 1/12 आया या नहीं आया? इससे बेसिक क्या कराऊंगा बेटा, कुछ होगा ना इससे बेसिक की? सर ये नहीं समझ आता, बता देना कमेंट में, वो भी करवा दूंगा, मेरे ही कंटेंट अच्छा होगा, आप बताएंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। 3/7 माइनस ऑफ 7/3, 3/7 माइनस ऑफ 7/3 कितना आ जाएगा बेटा, आप बताओ। सर 21, 21 9 माइनस 21, 3 7 7 7 जो 49, सॉरी 21 डिवाइडेड बाय 3, 21 डिवाइडेड बाय 3 7, 7 इंटू 7 49, तो आंसर आएगा माइनस ऑफ 40/21। बताइए भाई कोई दिक्कत? मैं यहां पे रुक रहा हूं, सिंप्लीफिकेशन में कोई दिक्कत आ रही हो बता दीजिए। बेटा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मानो तो ठीक है, नहीं इग्नोर भी कर सकते हो, आपके कोई दोस्त यार वगैरह हो उनको आप एक बार जरूर बताइएगा कि किस लेवल का कंटेंट आपको दिया जा रहा है, किस लेवल के बेसिक्स आपको दिए जा रहे हैं। मेरी क्या एम है, 2025 में विश्वास बैच से कम 10 बच्चे 180 आउट ऑफ 180 निकलवाने हैं, 10 बच्चे कम से कम, दिस इज द मिनिमम, इतने निकलवानी है, इसके नीचे चैन से नहीं सोना है। कोई बड़े वादे नहीं है, मेहनत आपको करनी है, पहले ही बता रहे हैं, आपके साथ हम भी करेंगे ये भी बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम ही मेहनत कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे, तो बेटा दिक्कत हो जाएगी ना। टू अचीव वी हैव टू एक्ट, ताली दोनों हाथ से बजती है, राइट। तो अगर आपके कोई दोस्त यार हो जो आना चाहते हो विश्वास बैच में, आप डायरेक्टली उनसे मेरा नंबर शेयर करो, बोलो ऑनलाइन की फैकल्टी भी बात करती है, आप बात करके देखो 7300330865, है ना। मेरे 10 फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं साथ में, भाई 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 थैंक यू सो वेरी मच बेटा, थैंक यू सो वेरी मच, मतलब अब इससे ज़्यादा आई कांट बी थैंकफुल दैट देन दिस, थैंक यू सो वेरी मच। चलिए आइए नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, एक्स प्लस वाई बाय जेड। देखो भाई हमारा फंडा सिंपल है, हमको मार्केटिंग करना नहीं आता, और आज की दुनिया ऐसी है बेटा जो दिखता है वही बिकता है, वो वाला काम चलता है, आप समझना इस चीज़ को, मेरे दिल की बात अगर आप समझ पाओ तो, जो दिखता है वही बिकता है, और सही बात भी है। मतलब आप कोई घर में सामान लेने जाते हो तो देखते हो ना कि हाँ भाई दीपिका पादुकोण ने इसका ऐड किया है, तो भैया पापा यही आना चाहिए घर में, है ना। विराट कोहली अनुष्का शर्मा ने इसका ऐड किया हुआ है, पापा जी यही लेकर आना है घर के अंदर, तो जो आपको दिख रहा है वही बिक रहा है। इसका ये मतलब नहीं ना कि जो प्रोडक्ट आपको नहीं दिख रहा है वो खराब है, गेटिंग माई पॉइंट। हो सकता हो कि इनसे बेटर प्रोडक्ट हो सकता है कि मार्केटिंग करके आपको गलत चीज दिखाई जा रही हो, पॉसिबल है। कितनी बार ऐसा होता है कि मार्केटिंग करके, मार्केटिंग का देखकर आप कुछ लिया और वो खराब निकलता है, और कोई ऐसी चीज है जो विदाउट मार्केटिंग चल रही है, लैम्बोर्गिनी। मार्केटिंग नहीं करते वो लोग, उनको पता है हमारी ऑडियंस टीवी देख ही नहीं रही, हम क्यों मार्केटिंग करेंगे, मार्केटिंग नहीं करते लैम्बोर्गिनी वाले, बट क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं उस लेवल की कि भाई कोई आए तो करोड़ों रुपए कार के लिए दे दे, 15-15, 20-20 करोड़ रुपए कार के लिए ले ले, और बिना कुछ बोले, अरे हाँ हम स्टेटस दे रहे हैं आप आके लो ना, नीट काका इज इटसेल्फ अ ब्रांड, हम मानते हैं, आज नहीं कल ये बात सिद्ध हो जाएगी, हो जाएगी फॉर श्योर, हम कर देंगे सिद्ध, अपने हार्ड वर्क से कर देंगे,
कर ही रहे हैं यार हार्डवर्क सुबह से लेकर रात तक, सुबह उठ रहे हैं 7 बजे, सो रहे हैं रात में 2 बजे, ऐसी ही चल रही है जिंदगी। 4 साढ़े 4 5 घंटे की नींद हो जाए बहुत है, क्या करें। एंड हम अपने हार्डवर्क से तो कर देंगे, बट इसमें अगर कोई पहले से जुड़ जाए तो शायद उसका फायदा हो सकता है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो दिसंबर में आके कहे कि सर शायद आप पहले मिल जाते तो हमारा नीट निकल जाता, अब होप नहीं है। वही बच्चे 160 165 स्कोर कर रहे हैं टेस्ट के अंदर जो दिसंबर में आए। अब आप सोचो, आप तो आज से लगे हो, क्या आप 180 नहीं ला सकते हो? अगर दिसंबर में आने वाला 160 165 टच कर रहा है तो आज से लगे हो 180 ला सकते हो या नहीं? अरे 50 में से 45 छोड़ो, 50 में से 50 क्वेश्चन करके आएंगे अपन, इतना कॉन्फिडेंस ला दूंगा मैं आपके अंदर। इसलिए धीरे धीरे मैथमेटिक्स से अपन एक बार, अभी आप ट्रिग्नोमेट्री देखना, इस बार ट्रिग्नोमेट्री का कंटेंट अलग लेवल का है भाई, पूरे कंटेंट बदल दिया ट्रिग्नोमेट्री में। हो सके तो शेयर करिएगा। चलिए, इस टाइप का अगर कुछ दिखेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, xz प्लस ऑफ y डिवाइडेड बाय z हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ या ना, xz प्लस ऑफ y डिवाइडेड बाय z हो जाएगा या नहीं? आइए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसकी। 1 प्लस 1 बाय 2, 2 प्लस 3 बाय 2, 7 प्लस 3/7। सॉल्व करिए बच्चों, कितना आ रहा है? सर एक में आधा जोड़ा 3/2, लेकिन करते हैं 2 प्लस 1/2, 3/2। इसमें कैसे देखना है, एक में आधा जोड़ा, डेढ़ हो गया, डेढ़ को 3/2 रखेंगे या नहीं? हाँ या ना, ये हो जाएगा 4 प्लस 3/2, 7/2, ये कितना हो जाएगा 49 प्लस 3/7, 52/7 हो जाएगा या नहीं? हाँ या ना। चलो 2 प्लस 1/2 कितना हो रहा है? सर दो में आधा जोड़ा, ढाई, ढाई को 2/5/2 लिख सकता हूँ कैसे? ये हो जाएगा सर 4 प्लस 4 प्लस 1/2, 5/2 होगा या नहीं? इसी का एक और फॉर्म क्या बन सकता है बच्चे, एक्स माइनस वाई अपॉन ऑफ जेड क्या हो जाएगा बेटा, xz माइनस ऑफ वाई डिवाइडेड बाय जेड होगा या नहीं होगा? आयन, हाँ जी सर, सॉल्व करेंगे। आइए हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 1/2, फिर यहाँ पे रख लीजिए बेटा 2 माइनस ऑफ 1/3, 2 माइनस ऑफ 1/3, 7 माइनस ऑफ 8/3 करिए, 8 माइनस ऑफ 3/5 सॉल्व करो, एक में से आधा गया आधा, 2 माइनस 1/2, 1/2, एक में से आधा गया आधा, ये कितना हो जाएगा बेटा 6 माइनस ऑफ 1/3, 5/3, ये कितना हो जाएगा 21 माइनस ऑफ 8/3, 13/3, ये कितना हो जाएगा बेटा 40 माइनस ऑफ 3/5, 37/5 हो जाएगा? हाँ या ना, होगा या नहीं होगा आप बताइए, हाँ या ना, पक्की बात, पक्की बात, पक्की बात, पक्की बात, पक्की बात, राइट। चलिए तो बच्चों आज की क्लास यहां पर रोक रहा हूं, है ना। आई नो बाइनोमियल और वो रह गई है वापस से जीपी, बट डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यानी कल बहुत अच्छे से करेंगे उसको भी, और डेप्थ में करेंगे थोड़ा सा, है ना, और काफी सवाल अपन वहां पर ऐड कर रहे होंगे। लेकिन आज जो अपन ने इक्वेशंस के बारे में बात करी है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, और सिर्फ यही नहीं, पहला, दूसरा और तीसरा लेक्चर पूरा रिवाइज करवा के आना, क्योंकि बाइनोमियल के जब क्वेश्चन हो रहे होंगे और जीपी के जब क्वेश्चन हो रहे होंगे तो पहली क्लास की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको पता लग रही होगी। मिल रहे हैं कल सेम टाइम 4 बजे, दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस क्लास का एक्सपीरियंस फील आपको आया या नहीं आया, ये बच्चों फिजिक्स
मैथमेटिक्स से कैसे कनेक्ट करनी है, ये पता लगा या नहीं लगा, या लगना चालू हो गया या नहीं, ये आप कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू सो वेरी मच बच्चों, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।